इस रैली में उम्मीद लेकर ये आए हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारी जीत रही है, चारों सीटें हम जीत रहे हैं और हमारे सुखू भाई जिन्होंने आपदा के टाइम बहुत काम किया, एक ऐसा नेता मिला है जो गरीबों को आगे लेकर जा रहा है, अनाथ बच्चों को आगे लेकर जा रहा है, महिला का सम्मान कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का सबका सम्मान कर रहा है। राहुल गांधी जी आते हैं, आनंद शर्मा जी जीतते हैं तो 1 लाख रुपया महिलाओं को 1 साल का मिलेगा, श्रमिक को न्याय मिलेगा, महिला को न्याय मिलेगा, हर आदमी को न्याय मिलेगा। हम गरीब लोग जो है कर्जे में डूबे, गांधी वाणी का कर्जा माफ हो रहा है, एक किसान का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार को बाहर किया जाए और कांग्रेस पार्टी को आगे लाया जाए और राहुल गांधी जी एक दिन, एक ना एक दिन प्रधानमंत्री के रूप में युवा भी देखना चाहता है, महिला भी देखना चाहता है, हर वर्ग की चाह है कि कांग्रेस पार्टी आए और अपना कार्य करे। क्यों हमारे सुखू भाई जी ने 1500 रुपया दे दिया है, ये इन्होंने चुनावों से पहले हल्ला डाला और हम चुनाव आयोग में इसको जीत के आ गए हैं और हर महिला को सुखू भाई जी ने 1500 रुपए देने का वादा किया, कुछ बहनों को 1500 रुपया जो कापियों में पड़ गया है और भाई जी ने बोला है कि 2 महीने का जो नहीं होगा वो उनको 3000 भी डाला जाएगा।